देखिए कितना सारा सामान सब निकाले हैं। मैं ले लूंगी, हो जाएगा। ट्रॉली नहीं ले रही हूँ क्योंकि उतना सब लोगों, तो जब निकलेंगे तब दिखाएंगे। ठीक है, गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिग क्वीन ऑफ योर लाइफ। गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं अपना घर आ गई हूँ, बैकग्राउंड देख के तो पता चल गया है। कल तो आप लोगों को तो दिखा था कि हम निकल रहे थे, उसके बाद रास्ता का और वीडियो नहीं निकाले क्योंकि थोड़ा सा रिस्क हो जाता है क्योंकि बाय बाइक हम लोग ट्रैवल करके घर आए हैं। तो आज तो एकदम सुबह से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो हम लोग का जो ट्रिप जाना था तो भाभी बोला कि नहीं बताएंगे, नहीं अभी नहीं बताएंगे, बाद में। पर बाद में हम भूल जाते हैं बोलना, मतलब कुछ चीज़ सोचते कि नहीं अभी नहीं बताएंगे, बाद में भूल ही जाते हैं। तो बता ही देते हैं, भैया भाभी के साथ जा रहा है, मतलब भैया भाभी और हम लोग जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो तो बने रहिएगा, तभी आप लोग को दिखने को मिल जाएगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो मेरा वीडियो अपलोड होगा और आप लोग को नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगी। तो दोनों ही कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करेंगे ही करेंगे, नहीं अच्छा लगे तो स्किप कर दीजिए, क्या करेंगे। तो हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं आज रात को ही निकलेंगे। तो वेदर अभी पूरा ठीक हो गया है, बहुत ज़्यादा धूप भी आया है, आप लोग देख के ही पता कर सकते हैं। पर जब मैं सुबह उठी ना, एकदम पूरा अंधेरा रात जैसा, एकदम मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे मौसम ख़राब रहेगा तो डर भी है, पर एकदम मस्त भी लगने वाला है क्योंकि इस सीज़न में, बारिश का सीज़न में वो जगह हम पहली बार जा रहे हैं। तो देखते हैं जाने के बाद, पहुँचने के बाद कैसा क्या रहता है। वैसे आज हम लोग निकल जाएंगे तो पैकिंग करना है, पैकिंग दिखाएंगे आप लोग को, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि क्या क्या पैक कर रहा है वो सब भी दिखाने वाले हो। अभी तो पूजा पाठ सब हो गया, लंच करूँगी, लंच करने के पहले मैं निकाल रही हूँ, तो निकाली हुई देखिए एक मेरे पास हैट है, मुँह झप गया। तो बोलिए हाउ आई एम लुकिंग। क्या बोला तू फिर से? लुकिंग वेरी बैड ना, फेस लग रहा एकदम कुछ है ही नहीं, पगली जैसा लग रही हो। कुछ भी यार, पगली जैसा लगे। ये देखिए मेरा खुला हुआ ही है ड्रेसिंग टेबल। तो मैं निकाल रही थी सामान, एक एक करके निकाल लूँ फिर पैकिंग के टाइम, मतलब जब डालूंगी बैग में तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और अभी तो धूप बहुत तगड़ा धूप है, रोड भी सूख गया है, धूप तगड़ा है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए कितना सारा सामान सब निकाले हैं। ये स्ट्रेटनर का रिव्यू, शायद देरी होगा जाने में, मतलब वीडियो शूट हो गया, एडिट नहीं हुआ है। तो अभी छोटा छोटा मेरे पास बहुत सारा है जो ट्रैवल फ्रेंडली होता है, देख सकते हैं। एक बॉक्स है मेरे पास, चलिए निकालते सब। सो गाइस गुड इवनिंग सबको, मेरी तरफ से। मैं सो गई थी थोड़ा सा, दोपहर को पैकिंग नहीं हुआ था, तो अभी दिखाती हूँ मैं क्या क्या ले रही हूँ। 3 दिन के लिए जाऊँगी, ठीक है, तो 3 दिन वाइज मैं कपड़ा लूँगी, तो चलिए दिखा। सबसे पहले तो ये सब कंफर्टेबल पैंट का ज़रूरत है, तो एक मेरे पास ब्लू और एक ग्रीन ले रही हूँ, है तो और भी बहुत सारा पर ये ब्लू और ग्रीन को ही ले रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कॉस्मेटिक सब प्रोडक्ट फैला हुआ है, स्ट्रेटनर है। तो ये दोनों टॉप लिया हूँ, ठीक है, ये वाला कंफर्टेबल के लिए, मतलब दोनों ही बहुत कॉटन है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। इसके बाद आते यहाँ पे, तो इस सेक्शन में देख सकते हैं मैंने ये टॉप लिया हुआ है, ये एक येल्लो टॉप लिया हुआ है, ये एक मीशो से था, ये लिया हुआ है। इसको मैं, मतलब ये दोनों जो है ना नीचे का, ये दोनों ही पूरा न्यू है। इसको तो भी मैंने एक दिन पहना था पर ये पूरा ही न्यू है, तो ये दोनों ले रही हो क्योंकि ये दोनों को पहनना ही नहीं होता है, ठीक है। और ले रही हो, ये एक वन पीस है, मैं दिखा दूँ इसको या जब पहनूँगी तब आप देख पाएंगे। ये मैंने कोई एक हॉल वीडियो में दिखाया था, बाज़ार कोलकाता से मैंने लिया हुआ था। तो ये वन पीस है और ये पूरा मैक्सी टाइप है गाउन, ये भी मीशो से है। तो गाइस ड्रेस तो मैंने दिखा दिया, जीन्स एक ही लेंगे और दो वैसा पैंट ले लेंगे, हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हैट तो दिखाया था मॉर्निंग में, सामान सब कुछ डालना है अब बैग के अंदर।
और छोटा छोटा चीज क्या दिखाओ, बस यही दिखाया ड्रेस। और मैं अपना बैग में लूंगी, हो जाएगा इस बैग में ले लूंगी, हो जाएगा। ट्रॉली नहीं ले रही हूँ क्योंकि उतना सामान है नहीं, 3 दिन का ही बस है, तो 3 दिन के लिए ज़्यादा सामान नहीं लगेगा क्योंकि 1 दिन आने में आपका लग जाएगा, तो 2 ही दिन मान सकते हैं कि 2 दिन हम लोग घूरेंगे। तो 2 दिन का जैसा शॉर्ट ट्रिप कहाँ जा रहा है, तो आप लोग बने रहेगा चैनल के साथ, नहीं तो मिस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, जब निकलेंगे ना शायद तभी मिलेंगे, उसके पहले मिल के क्या बताओ क्या पका हुआ आप लोग को, तो जब निकलेंगे तब दिखाएंगे, ठीक है। मैं रेडियो देख सकते हैं ऐसे जा रहे हो क्योंकि नाइट ट्रिप है, तो रात को निकल रहे हैं, और नेल पॉलिश तो पता नहीं कैसा लग रहा है, जो भी लग रहा है। तो मेरा हम लोग का ट्रिप नाइट को होने वाला है, तो बस ऐसे ही निकल जाऊंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कहाँ जा रही हूँ ऐसे बिना सजे धजे, ओनली काजल लगाए हैं और कुछ नहीं लगाए हैं। तो चलिए, हाँ नॉर्मल लुक देख सकते हैं जो मैं घर में पहनती हूँ, एकदम बेकार आता है इसमें। ऐसे जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए ड्रेस। सो हम लोग फाइनली निकल पड़े हैं, अब जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए इस ट्रिप के साथ और देखते रहिए, मज़ेदार वीडियो आने वाली है। तो हम लोग अपने गाड़ी में बैठ गए जो हम लोग नया गाड़ी परचेज किए थे, और ड्रेस तो देख ही सकते हो, वही ड्रेस फिर से पहन लिए, पहले वाला ड्रेस जो पहने हुए थे। तो चलिए अब सफ़र करते हैं, बस पहुँचने वाले हैं, देखेंगे कहाँ हम लोग पहुँचते हैं। सो गाइस बैकग्राउंड देखे आबार बुझते पाच्छेन कोथाय जाच्छि, এই সাথে সাথে এবারে দেখতে হ্যাঁ তাহলে কোথায় যাচ্ছি বলবেন না, গিয়ে দেখাবো, ঠিক আছে। কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু মা যাচ্ছে না, এটা বুঝতে পারছি আমি, তো এমনিতে ভিডিওতে বললাম যে দাদা বৌদি আর আমরা দুজন, ওদের ব্যস্তটা যাচ্ছে, আমাদের ব্যস্ত যাচ্ছে, আর গাড়ি করে যাচ্ছে, গাড়িতে তো হবে না চারজন। আর এই রাতে ট্রিপ ফার্স্ট টাইম, মানে আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম রাতে বেরোবো, রাত এখন 11:15 বাজে, ওইটা একটু পরে 10 বাজে, হ্যাঁ এই যে ডিনার করবো 12টা বাজলে ডিনার করবো, এইখানে রাখবো 12টা বাজে তারপর ডিনার করবো, আজকে মঙ্গলবার ওর উপোস ছিল, তো ভিডিওটা তো লেট যাবে জানি, এই তো এলো সবে এলো, জাস্ট 5 মিনিট হয়েছে, ঠিক আছে আবার দেখা হবে, সকালে দেখা হবে ওখানে, কারণ রাতে একটুখানি জাস্ট যাওয়ার একটু ভিডিও দেখাবো, আর কিছু তো অন্ধকার, এমনিতেও দেখানোর কিছু নেই, পৌঁছে ভিডিও করবো। আর তোমার সাথে তো নেট নেই, ভিডিও কল নইলে করা যাবে, হবে না ভিডিও কলও হবে না, হবে না, তো ঠিক আছে।